नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी पर स्पेशल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। सुशांत सिंह मामले में बार बार महेश भट्ट का नाम आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जब से सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है तब से लेकर अभी तक लगातार कई बार महेश भट्ट का नाम आ चुका है और उनके रिया चक्रवर्ती से संबंध भी सामने आए हैं, जो बेहद संदेहास्पद स्थिति बयां कर रहे हैं। भले ही पूरी कोशिश की जा रही है उन्हें बचाने की, लेकिन जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जनता के सामने आकर उस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और रिया चक्रवर्ती के पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा चेहरा है। वहीं इस मामले में भाजपा से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार इस केस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। वो लगातार इस केस की निगरानी भी कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बीते दिनों जब रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के चैट वायरल हुए थे, तब भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि महेश भट्ट भले ही कितना बचे, लेकिन रिया चक्रवर्ती के जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे कई बड़े बड़े लोग भी नप सकते हैं। तो बार बार महेश भट्ट का नाम आना और इतने लोगों की जो नजरें महेश भट्ट पर हैं और जो सबूत है, वो कहीं ना कहीं इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के पीछे कहीं महेश भट्ट का हाथ तो नहीं। सुशांत सिंह केस में महेश भट्ट का नाम बार बार घूम घूम कर आना कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि जो चैट वायरल हुई उसे भी नकारा नहीं जा सकता। सूत्रों का कहना है कि महेश भट्ट भी इस मामले में कहीं न कहीं संलिप्त हैं और उन्हें बचाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन महेश भट्ट का नाम बार बार आना संदेहास्पद स्थिति पैदा कर रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार इस केस पर अपनी गहरी नजर बनाए हुए हैं और अब उन्होंने फिल्म मेकर महेश भट्ट पर निशाना साधा है। उनके ट्वीट ने सनसनी मचा दी। उनके इस ट्वीट पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि क्या सिनेमा के दादा महेश भट्ट ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अपना नाम अशरफ भट्ट कर लिया है? यदि नहीं तो कृपया उसे पुलिस रिपोर्ट को सही करने के लिए कहें। उनका ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी महेश भट्ट को आड़े हाथों ले चुके हैं और उन्होंने रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर जो लीक हुई थी, दोनों की चैट 8 जून की थी, उस पर उन्होंने लिखा कि अगर रिया चक्रवर्ती इसी तरह से सबूत देती रहीं तो सच का पता लगाने के लिए सीबीआई को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।